अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह मौजूद एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक मूवी का ट्रेलर है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह शाकिर भाई कुछ। हाँ, पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम क्योंकि ईद बिल्कुल करीब करीब है और ईद उल अज़हा होती है, हम मुसलमानों के लिए बहुत मोहतरम और एहतराम वाली ईद होती है और ये ईद कुर्बा कहलाती है। ये हमें वो दर्स देती है कि किस तरह कुर्बानी की जाती है। और कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी जानवर को हलाल करें अल्लाह की राह में, बल्कि कुर्बानी वो इसार करना, वो अपना अपने चीज़ों में से किसी के आगे किसी काम आ जाना। तो ये असल में दर्स दिया था इस चीज़ का हमें। तो इस चीज़ की हमें हर साल क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कराई जाती है और लोग हज पे भी जाते हैं माशाल्लाह से, लोग हज करने के लिए। तो अल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं कि हम सबको तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसी तरह खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ हमें अपने दीन पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों और तमाम इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। जहाँ जहाँ लोग परेशान हाल हैं, हम हमारी दुआ है इस खुशी के मौके पर कि अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए कोरोना का, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चल रहा है। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हिंदुस्तान में जैसे डेल्टा वायरस चल रहा था बहुत ख़तरनाक, तो हम उन जिनके प्यारे इस डेल्टा वायरस की वजह से दुनिया से चले गए, दुनिया जहाँ में जहाँ पर भी कोरोना वायरस की वजह से, जिस किसी और अमवात की वजह से, सैलाब की वजह से, तूफ़ान की वजह से जो दुनिया से चले गए, हम उनके घर में बराबर के शरीक हैं और उनके लिए दुआगो हैं और तमाम दुनिया के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों से इस महीने की रहमत सदक़े में हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बुराइयां, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तंगदस्तियां, नाचाकियां अल्लाह ताला ख़त्म कर दे इसको से। तो ये छोटा सा मैसेज था। आज हम लोग देखने वाले हैं मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है मीमी और ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली। अभी मीमी है क्या है जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे वो यकीनन हमें ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करें आप ट्रेलर देखते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। ये अभी गो उंगली पकड़ के चला ओ मेरी माँ। माँ बच्चे का रिश्ता ना दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है। मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं। और पैदा कहाँ से करूँगे, पीछे से? वो अमेरिकी जोड़ा है ना अमर महल में, उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करो क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है? नो, और बच्चा पैदा हो जाएगा। यस, जो आपका बच्चा पैदा करेगी उसे आप 20 लाख दोगे? यस। आप दोनों ना नोट के बिस्तरे लगा के उस पे सोना। मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो, तू कर चुका है। शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ क्या? ना बीवी ना बच्चा। घर वालों को क्या बताऊंगी कि बच्चा किसका है? अरे पेट देखिएगा ना इतना बड़ा, मेरे घर रह सकती है तू। कल्याण वाली खाला है ना, ये उनकी भतीजी है चांद और ये उनके शौहर नसीरुद्दीन। करते क्या हैं ये? ड्राइवर हूँ, खुद की गाड़ी है अपनी, सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड। नमाज पढ़ते हैं? हाँ। कितने मर्तबा पढ़? 10 मर्तबा जनाब। नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बता रहा हूँ। आपको बच्चा नहीं चाहिए? पगला गए हो क्या? समर जी बोल रही है उनको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे को गिरा दो। बच्चा गिरा दो? के मजाक करे तुम्हारे, पागल हो गए कि? यार मान इसका बाप बता, कौन है इसका बाप? ये तो मुसलमान है। मिम्मी हो गई, मिम्मी हो गई भाई, और कितना क्यूट बेबी। किसी भी नहीं गया था बाप। बड़ी फैंटास्टिक है।
क्या बात है भाई मीमी की, ज़बरदस्त। आज तक देखो हम भी आज भी क्या कहते हैं ना, जात पात धर्म और में बटे हुए हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं। और बड़ी अच्छी फिल्म, इसमें मज़ा भी है, कॉमेडी भी है, और कुछ इसमें लेसन भी है लोगों के लिए, जो समझदार समझने के लिए जो होते हैं उनके लिए, जो हमारे माशरे में जो माशरती बुराइयाँ होती हैं, जो या हम लोग अपने उसमें अपनी अपने तौर पर अपनी एक चीज़ें बनाई भी होती हैं कि नहीं जनाब बस ये तो यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो बहरहाल क्या कहते हैं, अच्छी एक्टिंग की है और मज़ा आया। मैंने सुना है इस लड़की ने सिर्फ रोल के लिए मेरा 15-20 किलो वजन भी पुट ऑन करा था। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। सुना है मैंने, पुट ऑन मतलब कम करा ज़्यादा करा? ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा करा उसने। पुट ऑन मतलब बढ़ाया। पुट माना, पुट मतलब कहते हैं ना पुट डाउन। नहीं, पुट का मतलब क्या है? PUT वाला है। हाँ, क्या है वो अंग्रेजी है, गाय वाला? नहीं नहीं, पुट का मतलब क्या है सर? चढ़ाना ना, मतलब पुट चढ़ाना, चढ़ा दिया। हाँ, पुट डाउन। और पुट डाउन नहीं, तुमने क्या पुट अप किया? पुट अप। अच्छा भाई, पुट अप किया भाई, पुट ऑन किया क्या भाई? पुट ऑन तो ऑन बस ना, ठीक है। नहीं नहीं, बता ऑन कैसे बोलते हैं? ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन मतलब उस एक टर्म है, उसमें कहते हैं कि उसने वजन चढ़ाया, वजन बढ़ाया। अच्छा, वैसे अगर तुम्हारे को ये कह दे दिया जाए कि भाई 20 लाख तुम्हारे को मिलेंगे डॉलर, तो भाई मैं पॉसिबल ही ना, शुरू में ही बताया ना कि अगर मुझे पीछे से, तो जब आगे सोचता पीछे नहीं सोचता क्या? उसने कहा ना चीरा लगवा ली है, नहीं हो तो सकता है कि भाई पीछे हो या आगे हो, बल्कि वो तो पेट से भी तो जाता है बंदे पर। ये पॉसिबल लेडीज में एक फिल्म आई थी इंग्लिश, वो उसकी उसकी क्या नाम था उसका, स्टेनल श्वास की है। छोड़ो ना यार उसकी, तुम इस पे बात करो। तो भाई क्या जदीद चीज़ें हो गई हैं आजकल, तो क्या कहते हैं बच्चे भी किस तरह किराए पर पैदा हो रहे हैं। शिल्पा शेट्टी कैसे ऐसे हुआ है जिसके? हाँ, ये बता रही थी ना शिल्पा का शेट्टी का भी, उसने से किया सेकंड जो बेबी है ना मेरे ख्याल से, जो दूसरी बेटी हुई है, बेटा हुआ है, उसका भी उसका वैसे कोई साथ करा, उसने किसका वो लेके दोनों मियाँ बीवी ने किसी और से किसी और को दिए? हाँ, नहीं इस तरह ऐसा कुछ अपने पास खुद पाला उसने, इसको कोई मसला था मतलब ना इसके डिलीवरी में। हाँ, तो इसने जो मेरे ख्याल से, अगेन मुझे कोट नहीं करना, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूँ, कि इन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने किसी और के यहाँ अपना बच्चा पलवाया और बेटी हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ऐसा कुछ है, अब मुझे नहीं कंफर्म। तो फिर रिजान भाई तेरी लॉटरी निकल गई, तो बगैर सोए तू कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? बहरहाल ये एक मीमी करके जो है वो आ रही है, और बहुत जबरदस्त फिल्म है, जबरदस्त है। नहीं अच्छा 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 आइडिया, शूट अच्छी की हुई है, बड़ा मजे के ना कि वहाँ से जो वो बच्चा पैदा करने के लिए किसी और गांव में आते हैं, वो कहते हैं भाई कौन है ये, तो फलाना वाले, तो वो हिंदू होता है, वो मुसलमान होती है, वो गाड़ी पे कुछ और लिखा हुआ होता है, वो कहते हैं सेकंड हैंड है, तो नमाज पर 10 पढ़ता हूँ भाई 10, अभी पागल। ये एक अच्छा है क्योंकि जो एक आम नॉर्मली बंदा रूटीन में जो चीज़ें करता है, अच्छा वो अगर कहता है कि ये बंदा मुसलमान है तो उसको तो नमाज पता होना चाहिए, फिर मौलवी साहब कह रहे हैं कि तुम कैसे कहते, इसीलिए तो वो पूछ रहे थे, वो मुसलमान नहीं था ना। अच्छा, मुसलमान बना हुआ था वो, बच्चे अच्छा। को भी, बच्चों भी लगा कि ये मुसलमान ही होगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छा बच्चा गोरा निकलता है, अच्छा तो बच्चा ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो क्रिश्चियन निकलता है। खैर बारह जो देखने के बाद पता चलेगा, और ये जब भी आएगी मैं ये जरूर देखूंगा, ये तो नहीं मैं देख रहा हूँ आजकल, बहुत देख रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और आप बता सकते हैं खास तौर पे हमारी आवाज़ कैसी आ रही है आपको आज? हाँ, चौकस आ रही होगी, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।